एक जमाने की बात है, एक बड़े से गहरे समंदर में तीन जलपरी बहनें रहती थीं। उनके पिताजी बहुत ही सख्त थे और उन तीनों बहनों को कभी भी समंदर के किनारे तक नहीं जाने देते थे और हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर उन्हें डांटा करते थे। हमारे पिताजी बहुत ही गुस्से वाले हैं, जब देखो तब हम पर हुकुम चलाते रहते हैं। अब हम बड़ी हो गई हैं, हमें भी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, लेकिन हम तीनों पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकते। उनकी बात मानने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। पिताजी कहते हैं कि पृथ्वी के लोग बहुत ही बुरे होते हैं, इसीलिए वो हमें समंदर के किनारे नहीं जाने देते। मैं पिताजी की सोच से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उनकी बेटियाँ हैं हम, कोई खिलौने की गुड़िया नहीं जो हर वक्त हमारे ऊपर पहरा लगाती रहती हैं। इस तरह तीनों बहनें अपने पिताजी की सख्ती से बहुत परेशान थी। फिर एक दिन उस समंदर में काजल नाम की एक लड़की नाव में बैठकर मछली पकड़ने आती है। तभी उन तीनों बहनों की नज़र काजल पर पड़ती है। अरे वो देखो, एक लड़की मछली पकड़ने आई है। मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। हमारे पिताजी हमें पृथ्वी पर नहीं जाने देते। हम इस लड़की के जरिए अपने लिए पृथ्वी से ढेर सारी चीज मंगा सकते हैं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। चलो अभी चलकर उस लड़की से बात करती हैं। उसके बाद वो तीनों जल परियां पानी के ऊपर आ जाती हैं। दूसरी तरफ अपने सामने तीन जल परियों को देखकर काजल हैरान रह जाती है। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, ये तीन तीन जल परियां कहाँ से आ गईं? सुनो लड़की, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम हमारी मदद करोगी? क्या मेरी मदद? तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए, मुझे साफ साफ बताओ। हम तीनों बहनों को समंदर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। हमने सुना है धरती की लड़कियां हमेशा सुंदर सुंदर ड्रेस पहनती है और बहुत ही अच्छा मेकअप भी करती है, साथ ही उनके पास तरह तरह के खूबसूरत गहने भी होते हैं। हमें भी ये सब चीजें चाहिए, क्या तुम हमारे लिए हमारी पसंद की चीज ला सकती हो? ये सुनकर काजल सोच में पड़ जाती है। तभी मीरा जलपरी कहती है, देखो अगर तुम हमारी बताई हुई चीजें हमें लाकर दोगी तो हम तीनों बहनें तुम्हें बदले में रोज तीन सोने के सिक्के देंगी। सोने के सिक्कों की बात सुनकर काजल खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है, कहो तुम लोगों को क्या क्या चाहिए। काजल के हाँ बोलते ही तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं और उसे अपने सामान की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा देती हैं। फिर अगले दिन काजल एक बड़े से मॉल से उन तीनों की मनपसंद चीज उन्हें लाकर दे देती है। ये देख तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं। उसके बाद तीनों जल परी बहनें अपने सर का एक एक बाल तोड़कर काजल को दे देती हैं और अगले ही पल वो तीनों बाल सोने के सिक्कों में बदल जाती हैं। ये देखकर काजल खुशी से झूम उठती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया, ऐसा जादू मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, हम तीनों बहनों के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। उसके बाद काजल तीनों सोने के सिक्के लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन से वो तीनों रोज काजल से कुछ न कुछ मंगाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रोज सोने के सिक्के पाकर काजल बहुत खुश थी। फिर एक दिन काजल अपनी एक सहेली लावण्या से मिलने जाती है। फिर बातों ही बातों में काजल अपनी सहेली लावण्या को तीनों जलपरियों के बारे में सब कुछ बता देती है। लावण्या एक लालची और मतलबी लड़की थी। सोने के सिक्के का नाम सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। अरे काजल, तू तो एक नंबर की बेवकूफ है, जलपरियों से थोड़े से सोने के सिक्के लेकर कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ हम उन तीनों जलपरियों को पकड़कर अपने घर ले आती हैं और उनकी जादुई शक्ति के जरिए हम उनसे रोजाना ढेर सारे सोने के सिक्के और बेशकीमती हीरे हासिल कर सकते हैं।
लावण्या की बड़ी बड़ी बातें सुनकर काजल लालच में आ जाती है। फिर अगले ही दिन दोनों पूरी तैयारी के साथ उन जलपरियों को पकड़ने समंदर में पहुंच जाती है। काजल देखती है कि तीनों जलपरियां पानी की सतह पर आ जाती है। तभी लावण्या एक बड़ा सा जाल उन तीनों जलपरियों के ऊपर फेंक देती है और जल्दी से उन जलपरियों के ऊपर बेहोशी की दवा छिड़क देती है। उसके बाद वो उन तीनों जलपरी बहनों को अपने घर ले जाती है और तीनों के हाथ बांधकर उन्हें पानी के टब में डाल देती है। होश में आते ही तीनों बहनें गुस्से से आग बगुला हो जाती हैं। देखो काजल, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। देखो, चुपचाप हमें इसी वक्त समंदर में वापस छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। तभी लावण्या सोनी जलपरी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। अब तुम तीनों बहनें हमारे कब्जे में हो। अगर तुम तीनों अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ ढेर सारा खजाना प्रकट करो, वरना हम तुम तीनों को जान से मार देंगे। लालची लड़की, अगर तुझमें हिम्मत है तो सिर्फ एक बार हम तीनों के हाथ खोल दे, फिर हम तुझे बताते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ये गलती कभी भी नहीं करने वाली। देखो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से खजाना दे दो, वरना तुम तीनों जिंदा नहीं बचोगी। लगता है तुम दोनों इस तरह नहीं मानोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर अगले ही पल मीरा जलपरी के मुंह से एक छोटी सी मछली निकलकर बाहर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद सोनी जलपरी अपनी आंखों की शक्ति से उस मछली के शरीर में दो पंख प्रकट कर देती है। फिर तीसरी बहन अपने मुंह से जोरदार फूंक मारकर उस मछली को हवा में उड़ा देती है। देखते ही देखते वो मछली आसमान में उड़ते हुए समंदर की ओर जाने लगती है। ये देख लावण्या और काजल दंग रह जाती है। दूसरी तरफ वो मछली समंदर के पानी में उतरकर तीनों बहनों के पिताजी के पास पहुंच जाती है और वो मछली उन्हें सारी बात बता देती है। मछली की बात सुनते ही उन जलपरियों के पिता अपनी बेटियों को बचाने के लिए लावण्या के घर पहुंच जाते हैं। अपने पिता को देखकर तीनों जलपरी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद उनके पिता तीनों जलपरियों को रस्सियों से आजाद करा देते हैं और लावण्या और काजल को रस्सियों से बांध देते हैं। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया? लगता है हम दोनों नहीं बचेंगे। चल काजल, भाग जल्दी यहाँ से। अरे कैसे भागे, ये रस्सियाँ कौन खोलेगा, कितनी टाइट है ये। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी सोनी जलपरी अपनी हथेली से एक चमकदार रोशनी उन दोनों के ऊपर छोड़ देती है और अगले ही पल वो दोनों मेंढक के रूप में बदल जाती है और कूद कूद कर इधर उधर भागने लगती है। अब इन दोनों को इनके किए की सजा मिल गई है। आज के बाद ये कभी भी किसी को परेशान नहीं कर पाएंगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद तीनों जलपरियां अपने पिता जलपरा के साथ वापस समंदर में चली जाती है। फिर उस दिन के बाद से तीनों जलपरियां हमेशा अपने पिता की सारी बातें मानने लगती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक समय की बात है, किरण, शालिनी और शिल्पा तीनों ही बहुत अच्छी सहेलियां थी। वो तीनों एक ही गांव में रहती थी और उनका बचपन भी एक साथ ही गुजरा था और वक्त के साथ साथ तीनों ही बड़ी हो जाती हैं। जहां किरण बचपन से ही कपड़ों की अच्छी डिजाइन बनाती थी, वही शालिनी भी मेहंदी की बहुत अच्छी डिजाइन बना देती थी और उन दोनों को देखकर शिल्पा के सर पर भी फैशन डिजाइनर का शौक चढ़ जाता है। अरे मैं बनूंगी अच्छी फैशन डिजाइनर, और ये दोनों तो गांव की गरीब गवार लड़कियां हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ कि आगे की फैशन डिजाइनर का कोर्स कर सकें। शिल्पा के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए उसके पास बहुत पैसा था और इसी वजह से शिल्पा में बचपन से ही बहुत ही ज्यादा घमंड था। और वहीं किरण और शालिनी बहुत ही गरीब थी,
इसलिए वो लोग अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर नहीं जा सकती थी। वहीं शिल्पा शहर जाकर एक बड़े से कॉलेज में फैशन डिजाइनर का कोर्स करने लगती है। ऐसे ही एक दिन किरण के भैया ऋषि उससे कहते हैं, मेरी प्यारी बहन किरण, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए अब मुझे तेरे लिए लड़का ढूंढना होगा। नहीं नहीं भैया, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी, मुझे तो अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। एक अच्छी फैशन डिजाइनर बनना है और शहर जाकर बहुत सारे पैसे भी कमाने हैं। अरे बहन, ये सब अमीरों के चोचले हैं, हम गरीबों को ऐसा सपना देखने का हक नहीं है। तेरी दोस्त शिल्पा बहुत अमीर है, इसलिए वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर चली गई है, लेकिन तेरे भैया के पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि वो तुझे शहर भेजे। तो क्या हुआ भैया, अगर इंसान के अंदर टैलेंट हो ना, तो वो कहीं भी रहकर कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही शालिनी गांव की एक शादी में औरतों को मेहंदी की डिजाइन लगा रही होती है। तभी एक औरत शालिनी से कहती है, अरे वाह शालिनी, तुम तो बहुत सुंदर मेहंदी की डिजाइन लगाती हो। थैंक यू चाची, आपको पता है मुझे मेहंदी की डिजाइन लगाना बहुत अच्छा लगता है। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी और मेरे डिजाइन लाखों में बिकेंगे, लाखों में। अरे शालिनी, पर उन सब चीजों के लिए तो बहुत पैसा चाहिए होता है और तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तभी तो तू चंद पैसों के लिए शादियों में मेहंदी लगाते हुए फिरती है। इसलिए मेरी मान, तो तू भी शादी कर ले, कब तक दूसरों की शादियों में यूं मेहंदी लगाती फिरेगी। उन औरतों की ये बातें सुनकर शालिनी को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन किरण और शालिनी जब एक दूसरे से मिलती हैं, तो वो कहती है, किरण, क्या हम जैसे गरीब लोगों के लिए डिजाइनर बनने का सपना देखना पाप है? क्या सिर्फ शिल्पा जैसे अमीर लोग ही सपना देख सकते हैं? हम नहीं। ऐसे हिम्मत नहीं हारते शालिनी, देखना एक दिन हम भी अपने सपनों की उड़ान जरूर भरेंगे, फिर हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर दोनों अपने काम को और भी ज्यादा मेहनत से करने लगती हैं। जहाँ किरण पुराने कपड़े काट काट कर नए डिजाइन बनाने लगती है, तो वहीं शालिनी भी मेहंदी के नए नए डिजाइन सीखने लगती है और उधर शिल्पा भी शहर के कॉलेज में डिजाइनिंग का कोर्स करती है। और यहाँ शहर में शिल्पा की नई नई मॉडर्न लड़कियाँ दोस्त बन जाती हैं, जिस वजह से वो किरण और शालिनी को तो पूरी तरह से ही भूल जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और शिल्पा का कोर्स पूरा हो जाता है, जिससे वो एक फैशन डिजाइनर बन जाती है और शिल्पा की शहर की एक बड़ी सी कंपनी में जॉब लग जाती है। वहीं किरण के भैया की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है, जहां डॉक्टर उससे कहते हैं, आपके भैया की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए इनके ऑपरेशन के लिए आपको जल्द से जल्द 8 लाख रुपयों का इंतजाम करना होगा, वरना इनकी जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 8 लाख रुपए? पर डॉक्टर साहब, हम गरीब लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? देखिए, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपको आपके भैया की जान बचाने के लिए 8 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। ये सुनकर किरण बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं शिल्पा एक फैशन शो के लिए अपने फ्रेंड का लहंगा डिजाइन करने लगती है, लेकिन शिल्पा के अंदर टैलेंट से ज्यादा पैसों का घमंड था, इसलिए उसका किसी भी काम में इतना मन नहीं लगता था। और उसके उस डिजाइन को देखकर उसके बॉस मनीष मुखर्जी कहते हैं, ये तुमने क्या डिजाइन बनाया है? ऐसे डिजाइन पुराने जमाने में भी नहीं चलते थे। मुझे अपने शो के लिए नए ब्रांडेड और यूनिक डिजाइन चाहिए, इसलिए तुम अपने काम पर फोकस करो और सही से ध्यान दो। ये सुनकर शिल्पा मुश्किल में पड़ जाती है और कहती है, अरे मैं इस शो के लिए नए डिजाइन कहाँ से लेकर आऊँ? मेरे दिमाग में तो इस समय कोई भी आइडिया ही नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, कुछ दिनों के लिए गांव चली जाती हूँ, मेरा थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, फिर वापस आकर ड्रेस डिजाइन कर लूँगी। इतना बोलकर शिल्पा वापस अपने गांव जाने की सोचती है,
लेकिन शिल्पा अब पहले से भी ज्यादा मॉडर्न हो गई थी। उसने अपने शरीर पर कई जगह पर टैटू बनवा लिए थे और वो गांव पहुंचते ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में घूमने लगती है, जहां हर कोई उसको देख रहा होता है। अरे ये गांव के गंवार लोग तो मुझे ऐसे देख रही हैं, जैसे उन्होंने कभी कोई लड़की ही नहीं देखी। अरे मुझे तो घिन आती है इन लोगों से। छी। शिल्पा के घर आने की खबर सुनकर किरण और शालिनी उससे मिलने जाती हैं। अरे शिल्पा कैसी है तू, और तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तू शहर से वापस आ रही है? हम तुम्हें स्टेशन पर लेने आ जाते ना। तुम लोगों को बताकर भी क्या फायदा, तुम लोग कौन सा मुझे एरोप्लेन से लेने आते। अच्छा तो छोड़ ये सब बातें और बता तेरा काम कैसा चल रहा है। सुपर, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं शहर की बड़ी सी डिजाइनर कंपनी में काम करती हूँ और महीने का लाखों कमाती हूँ। अरे वाह, फिर तो तेरी लाइफ सेट है यार। अच्छा शिल्पा, मैंने भी एक लहंगे का बहुत ही अच्छा और सुंदर मॉडर्न डिजाइन बनाया है। तुमने? वो भी मॉडर्न डिजाइन? तुम्हें पता भी है मॉडर्न किसे कहते हैं? और शालिनी तू अभी भी तुम वही घिसी पिटी मेहंदी लगाती होगी ना? हाँ तो? अरे तुम लोगों को पता भी है कि आजकल मेहंदी के डिजाइन का जमाना नहीं है, बल्कि टैटू का जमाना है। टैटू का ये देखो, मैंने इतने सारे टैटू बनवा रखे हैं। इस तरह शिल्पा उन दोनों का बहुत मजाक उड़ाती है और उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बचपन की दोस्त जब हम लोगों के बारे में ऐसे सोचती है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी किरण अपने द्वारा सिले हुए लहंगे को शिल्पा को दिखा देती है और उससे कहती है, शिल्पा जरा बताओ तो कैसा लग रहा है ये लहंगा? क्या तुम हमारे इस डिजाइन को शहर ले जाकर अपने बॉस को दिखाओगी? क्योंकि मुझे इस समय पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। वही लहंगे के डिजाइन को देखकर शिल्पा बहुत हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि अरे ये गांव की गवार किरण इतने अच्छे डिजाइन कैसे बना सकती है, और वो भी एकदम यूनिक डिजाइन। उसी समय किरण फिर से उससे कहती है, अरे क्या हुआ शिल्पा, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? तुम्हें पता है इसके ऊपर का डिजाइन शालिनी ने बनाया है और नीचे का डिजाइन मैंने। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर शालिनी और किरण दोनों ही बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इस लहंगे के डिजाइन को देखकर शहर में उनकी भी अच्छी नौकरी लग जाएगी। लेकिन शिल्पा के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो उस लहंगे को लेकर अपने बॉस के पास जाती है और उनसे कहती है, सर ये देखिए, इस वाले लहंगे का डिजाइन देखिए कैसा लग रहा है, इस लहंगे को मैंने बनाया है। उस लहंगे के डिजाइन को देखकर उसका बॉस कहता है, अरे वाह शिल्पा, यही डिजाइन तो चाहिए था मुझे, अब इस फैशन शो में यही बनेगा मेरा असली ब्रांड। ये सब करके शिल्पा को जो चाहिए था वो तो उसको मिल जाता है। लेकिन गांव में किरण और शालिनी शिल्पा के फोन का इंतजार करती हैं। अरे पता नहीं क्यों शिल्पा ने फोन ही नहीं किया, चलो मैं उसे एक बार कॉल करके देखती हूँ। इस तरह किरण शिल्पा को फोन करती है, लेकिन शिल्पा किरण का फोन नहीं उठाती है। उसी समय शालिनी कहती है, किरण इसका कोई फायदा नहीं है, शिल्पा हमें पूरी तरह से भूल चुकी है। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारे लहंगे का डिजाइन लेकर गई है, अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, चलो हम भी शहर चलते हैं। फिर किरण और शालिनी पैसे मिलाकर शहर जाने की तैयारी करने लगती हैं और अगले दिन ही वो दोनों शहर पहुंच जाती हैं और शिल्पा की बताई हुई कंपनी को ढूंढने लगती हैं, क्योंकि बातों ही बातों में शिल्पा ने उन दोनों को अपनी कंपनी का नाम बता दिया था। तभी वो एक बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, अरे हाँ शायद यही बिल्डिंग है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। इतना कहकर वो दोनों अंदर चली जाती हैं
और वो देखती है कि शिल्पा उनके लहंगे के जैसा ही एक और लहंगा बनाने की कोशिश कर रही होती है। उसी समय किरण कहती है, अरे शिल्पा, ये तो मेरा बनाया हुआ लहंगा है, इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया और यहाँ बैठकर आराम से मेरे लहंगे की कॉपी तैयार कर रही हो। अरे तुम जैसे गांव के गवार लोगों के अंदर इतना टैलेंट कहाँ जो ऐसा लहंगे का डिजाइन बना सके, इसीलिए ये लहंगा मैंने डिजाइन किया है, समझी। इतना कहकर वो तीनों एक दूसरे से बहस करने लगती है। उसी बीच उसका बॉस आकर कहता है, देखो मुझे नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसलिए इस बात को साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है। कल यहाँ पर एक फैशन शो है, इसलिए तुम दोनों फिर से एक लहंगे का डिजाइन तैयार करो और अपने मॉडल के साथ यहाँ पर कल आ जाना, उससे सब सच अपने आप ही बाहर आ जाएगा। ये सब सुनकर शालिनी कहती है, हम इतनी जल्दी लहंगा कैसे बना पाएंगे किरण? हिम्मत मत हारो शालिनी, हमें कोशिश करनी ही होगी, वरना वो शिल्पा हम दोनों को झूठा साबित कर देगी। इतना कहकर किरण और शालिनी पूरी रात बैठकर लहंगा डिजाइन करने लगती हैं और सुबह तक लहंगा पूरी तरह से तैयार हो जाता है और मॉडल के बदले किरण उस लहंगे को खुद ही पहनकर ऑफिस से बाहर पहुंच जाती है। लेकिन उसी समय एक आदमी हाथ में चाकू लिए हुए किरण के पास से गुजरता है, जिसकी वजह से किरण का लहंगा कई जगहों से कट जाता है और ये काम भी शिल्पा ने ही करवाया था। अब आया ना मजा, बड़ी चली थी मुझसे बराबरी करने। हम हार गए शालिनी, तू सही कहती थी, हम गरीबों को सपने देखने का कोई हक नहीं है। अरे किरण, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं तेरे कटे हुए लहंगे पर मेहंदी से बहुत सुंदर डिजाइन बना देती हूँ। इतना कहकर शालिनी किरण के शरीर पर मेहंदी से डिजाइन बना देती है और उसी तरह किरण फैशन शो में चली जाती है और उसे इस तरह की लहंगे के यूनिक डिजाइन में देखकर हर कोई चौंक जाता है और इस तरह से किरण उस फैशन शो को भी जीत जाती है और शिल्पा के बॉस को भी उन दोनों पर यकीन हो जाता है, तो वो उन दोनों को अपनी कंपनी में बहुत ही अच्छी जॉब दे देता है और शिल्पा को झूठ बोलने की वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है और उस दिन के बाद से शिल्पा को किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलती है और वही किरण शहर में अपने भैया का अच्छे से इलाज करवाती है और अपने भैया के साथ शहर में ही हंसी खुशी से रहने लगती है। सूरज विदिशा के साथ शहर में एक नई बिल्डिंग देखने जा रहा था। सूरज एक बहुत बड़ा व्यापारी था और उसे एक नया शॉपिंग मॉल बनवाना था। अपने शॉपिंग मॉल के लिए उसे बिल्डिंग चाहिए थी। उसे किसी से पता चला था कि ये बिल्डिंग काफी वक्त से खाली पड़ी थी और काफी अच्छे दाम पर बिक रही थी। देखना विदिशा, जल्दी हमारा शॉपिंग मॉल बनाने का सपना सच हो जाएगा और फिर हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, बस अब ये वाली बिल्डिंग हमें सही दामों पर मिल जाए। हाँ विदिशा, सुनने में तो यही आ रहा है कि बिल्डिंग काफी अच्छे दाम पर बिक रही है। जब सूरज और विदिशा बिल्डिंग देखने जाते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। सूरज बिल्डिंग दिखाने वाले बिल्डर से कहता है, क्यों भैया, ये बिल्डिंग तो काफी पुरानी और टूटी फूटी सी लगती है, इसको पहले ही सही कराने में और इसका रेनोवेशन कराने में कितना पैसा लग जाएगा, इससे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे भैया, बिल्डिंग आपको बाकी बिल्डिंगों के हिसाब से आधे दामों पर मिल सकती है, इसे कोई भी लेना नहीं चाहता क्योंकि लोग इस बिल्डिंग को भूतिया मानते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस बिल्डिंग के पैसे आधे से भी कम करवा सकता हूँ। क्या सच में? फिर तो मुझे बहुत फायदा होगा इससे। क्या सोच रही हो विदिशा, ले ले फिर यही बिल्डिंग। विदिशा सूरज को थोड़ा साइड में खींच कर ले जाती है और उससे कहती है, अरे सुना नहीं तुमने उस बिल्डर ने अभी क्या कहा, वो बिल्डिंग भूतिया है भूतिया, अगर आगे चलकर कोई समस्या का सामना करना पड़ा तो।
अरे विदिशा, तुम भी ना, तुमने ये नहीं सुना कि वो बिल्डिंग हमें आधे से भी कम दाम पर मिल सकती है? तुम जानती भी हो इससे हमें कितना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे। तभी विदिशा बिल्डर से पूछती है, वैसे भैया ये बिल्डिंग ज्यादा पुरानी तो नहीं लग रही, बस थोड़ी सी टूटी फूटी सी है। और यहाँ पहले क्या था? जी मैडम, वो पहले यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था और ढेर सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे, पर एक दिन अचानक यहाँ पर आग लग गई और सब कुछ जल गया। उसके बाद आसपास के सभी लोग भी यहाँ से चले गए। तब से इस बिल्डिंग की हालत साल दर साल खराब होती गई, क्योंकि कोई भी इसकी देखभाल करने के लिए नहीं आता था। अच्छा, सुनने में तो यही लगता है कि ये बिल्डिंग बड़ी मनहूस है। फिर सूरज वो बिल्डिंग बिल्डर से खरीद लेता है और वहाँ पर बिल्डिंग की देखभाल करने के लिए एक वॉचमैन को भी बुलाता है। उस वॉचमैन का नाम रमन था। देखो रमन, मैं कुछ ही दिनों में इस बिल्डिंग का रेनोवेशन शुरू करवा दूंगा। तब तक तुम्हें यहाँ बस रात भर रुककर बिल्डिंग की देखभाल करनी है, ताकि कोई अंदर घुसकर ना बैठ सके। ठीक है साहब। वैसे दिखने में तो तुम काफी छोटे लगते हो। हाँ, मैं अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं अपना घर चलाने के लिए कॉलेज के साथ साथ ये वॉचमैन की नौकरी भी करता हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बिल्डिंग का पूरा ध्यान रखूँगा। सूरज रमन को भूत के बारे में कुछ भी नहीं बताता और उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। रमन बिल्डिंग के बाहर गेट पर कुर्सी डालकर बैठ जाता है। अब रात हो गई थी और धीरे धीरे सब जगह अंधेरा हो गया था। रमन के पास एक लैंप रखा हुआ था और उसने गेट पर एक लाइट भी लगा रखी थी। अरे, यहाँ इस इलाके में दूर दूर तक कोई लाइट नहीं है। अच्छा हुआ शाम को मैंने यहाँ गेट पर एक लाइट लगा दी थी, वरना मुझे रात भर अंधेरे में ही रहना पड़ता। रमन वही कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी एक किताब पढ़ने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, मानो बिल्डिंग के अंदर कोई लड़की गाना गा रही हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने तो शाम से किसी को भी बिल्डिंग के अंदर जाते हुए नहीं देखा था, फिर ये गाना कौन गा रहा है? अरे, अंदर तो कितना अंधेरा होगा, अब क्या करूं? रमन कुछ देर सोचता है और जब अंदर से आ रही गाने की आवाज नहीं रुकती, तो रमन पास में रखा लैंप लेकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। ये गाना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं कौन है अंदर, जरूर कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अभी जाकर खबर लेता हूँ मैं इस गाने वाले की। रमन अंदर जाता है और देखता है कि पूरी बिल्डिंग में घना अंधेरा छाया हुआ था। रमन काफी देर तक आसपास घूमता रहा कि उसे वो गाना गाने वाली लड़की मिल जाए, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। रमन वापस जाने के लिए मुड़ा कि तभी वहाँ उसे एक चुड़ैल दिखाई दी। चुड़ैल को देखकर रमन डर से कांप रहा था, लेकिन चुड़ैल ने उसे धीमी आवाज में कहा, देखो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे दोबारा कभी भी इस बिल्डिंग के बाहर या आसपास भी दिखाई मत देना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? रमन चुड़ैल की बात सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाया। चुड़ैल इतना कहकर सीढ़ियों से बिल्डिंग के ऊपर जाने लगी और धीरे धीरे वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। रमन उठकर खड़ा हुआ और चुपचाप बिल्डिंग के बाहर निकल गया। वो वहाँ से सीधा अपने घर गया और डर के मारे रात भर सो भी नहीं पाया। सुबह होते ही उसे सूरज का फोन आया। क्या बात है रमन, तुम बिल्डिंग में नहीं हो? अभी के अभी मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आओ। जी सर, मैं अभी आता हूँ। रमन सूरज के ऑफिस में आता है। क्या बात है रमन, मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी और तुम तो बीच रात में ही बिल्डिंग छोड़कर भाग गए। ऐसे करोगे तुम नौकरी?
ऐसी बात नहीं है सर, दरअसल लोग सही कहते हैं, वो बिल्डिंग सच में भूतिया है। मैंने खुद अपनी आंखों से कल रात को वहाँ पर एक चुड़ैल को देखा था, वो ठीक मेरे सामने खड़ी थी और उसने मुझसे कहा कि मैं दोबारा कभी बिल्डिंग के आसपास भी ना दिखाई दूं, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगी। तुमने तो कहा था कि तुम कॉलेज में पढ़ते हो, मुझे एक पढ़े लिखे इंसान से ऐसी बकवास की उम्मीद नहीं थी। देखो, तुम्हें अगर ये नौकरी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कहानियाँ बनाना बंद करो। नहीं सर, मैं कहानियाँ नहीं बना रहा हूँ, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं कोई दूसरा वॉचमैन ढूंढ लूँगा। इतना कहकर सूरज ने रमन को अपने ऑफिस से जाने को कह दिया। रमन वापस अपने घर चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके कॉलेज से एक फोन आया। हेलो रमन, आपकी फीस भरनी है, आप जल्दी से जल्दी अपनी फीस भर दीजिए, वरना आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। जी सर, मैं जल्दी से जल्दी फीस भरता हूँ। फोन रखकर रमन और भी परेशान हो गया। अरे ये आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कॉलेज की फीस भरनी है और कमरे का किराया भी। बड़ी मुश्किल से तो मुझे एक नौकरी मिली थी, अगर ये हाथ से निकल गई तो मुझे सब कुछ छोड़कर वापस गांव जाना पड़ेगा। अब क्या करूं? एक तरफ मेरा करियर है और दूसरी तरफ वो भूतिया बिल्डिंग। अब चाहे जो हो जाए, मैं ऐसे हाथ बांध कर भाग तो नहीं सकता, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। और रमन फिर से वॉचमैन की नौकरी करने लगता है। रमन बहुत डरते डरते काम पर वापस आया था। जैसे जैसे रात हो रही थी, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हे ऊपर वाले, अब तुझे ही मेरी रक्षा करनी होगी। मुझे इस नौकरी की इतनी जरूरत ना होती तो मैं कभी भी इस तरह मौत के मुंह में हाथ डालने नहीं आता। रमन मन ही मन बड़बड़ा रहा था कि तभी उसकी नज़र बिल्डिंग से आ रही तेज रोशनी पर जाती है। उसे खिड़की पर वही चुड़ैल फिर खड़ी दिखाई देती है और वो रमन को इशारों से अंदर बुलाती है। अरे ये क्या, ये तो वही चुड़ैल औरत है और ये मुझे अंदर बुला रही है। अब क्या करूं, अंदर जाऊं या नहीं? ओह, अगर मैं अंदर नहीं गया तो कहीं वो बाहर ना आ जाए, और अगर उसे गुस्सा आ गया तो? नहीं नहीं, मैं ही अंदर जाता हूं। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अब मुझे अकेले ही इन हालातों का सामना करना ही पड़ेगा। रमन अपने डर को संभालते हुए बिल्डिंग के अंदर जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि चुड़ैल उसके ठीक सामने खड़ी थी। चुड़ैल उसे काफी गुस्से में देख रही थी। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, फिर तुम दोबारा यहाँ क्यों आए हो? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। इतना कहकर चुड़ैल रमन को जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगती है। मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत मजबूर हूँ। चुड़ैल रमन की बात सुनकर शांत हो जाती है। देखो, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं गांव से इतनी दूर पढ़ने के लिए आया हूँ और मेरे पास अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर मैंने ये नौकरी नहीं की तो मुझे सब कुछ छोड़कर गांव वापस जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बात समझ गई, लेकिन तुम्हें भी ये समझना होगा कि यहाँ पर तुम नौकरी नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें तो क्या, किसी को भी इस बिल्डिंग में नहीं आने दूंगी। लेकिन क्यों, आखिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि सभी लोग इस बिल्डिंग से दूर रहें? तुम बहुत अच्छे और सीधे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। दरअसल इस बिल्डिंग में पहले एक स्कूल हुआ करता था और मैं इस स्कूल में टीचर का काम करती थी। इस बिल्डिंग के इंजीनियर ने इसे गलत तरीके से बनाया था और सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया था। बिल्डिंग के मालिक को ये बात पता थी, लेकिन उसने किसी की भी जान की परवाह नहीं की और स्कूल को चालू कर दिया। एक दिन अचानक से स्कूल में आग लग गई और बिल्डिंग की खराब बनावट की वजह से आग और फैलती चली गई। मेरे साथ साथ कई और लोग और स्टूडेंट्स भी इस बिल्डिंग में फंस गए और सब जलकर मर गए।
चुड़ैल की बातें सुनकर रमन बहुत हैरान हो गया। उसे चुड़ैल की कहानी सुनकर बहुत दुख हो रहा था। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ कई सारी आत्माएं हैं जो यहाँ मेरे साथ भटक रही हैं। रमन ने देखा चुड़ैल के साथ कई और छोटे भूत और चुड़ैल आकर खड़े हो गए। इस बिल्डिंग की बनावट ऐसी है कि यहाँ जो भी बनेगा वो खराब ही बनेगा, और हम में से कोई भी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के भी साथ हो। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। रमन ये कहकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है कि तभी वो देखता है कि सामने से सूरज आ रहा था। रमन सूरज को सब बता देता है और फिर वो सूरज से बिल्डिंग की बालकनी की तरफ देखने को कहता है। सूरज जैसे ही बिल्डिंग की बालकनी की तरफ देखता है, वहाँ उसे बहुत से भूत और चुड़ैल दिखाई देते हैं। हे भगवान, ठीक है रमन, मैं समझ गया। अब इस बिल्डिंग का काम मैं बहुत ही सुरक्षा के साथ ही करवाऊंगा, और वो भी इसे तुड़वाने के बाद ही। फिर क्या था, सभी भूतों और चुड़ैलों की आत्मा को शांति मिल जाती है, और कुछ ही समय में सूरज का आलीशान मॉल भी बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।